नमस्कार, हिंदू ज्वाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों पर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के गोरेवाड़ा प्रभाग के वार्ड अध्यक्ष विधाधर मिश्रा विगत कई वर्षों से प्रभाग के लोगों की निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। बचपन से ही समाज सेवा का मन बना चुके गोरेवाड़ा प्रभाग के वार्ड अध्यक्ष विद्याधर मिश्रा अपने प्रभाग की जनता के समस्याओं को सुलझाने का कार्य विगत कई वर्षों से करते आ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रशासन को जगाने के लिए कई आंदोलन भी किए हैं। इसके लिए उन्हें प्रभाग की जनता का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होते रहता है। जन सेवा की भावना से कार्य करने वाले विद्याधर मिश्रा का मानना है कि समाज का विकास एवं उत्थान तभी हो सकता है जब समाज के सभी सूत्रों को एक साथ जोड़ा जाए। आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत बताइए। राजनीतिक जीवन की शुरुआत तो ऐसा है कि बचपन से ही एक समाज की मेरे को बहुत समाज की सेवा करने की बहुत इच्छा, प्रबल इच्छा थी, लेकिन मुझे जगह नहीं मिल पा रही। कुछ दिन तो मैं सर्विस करते रहा, प्राइवेट जॉब किया मैंने कुछ दिन। उसी प्राइवेट जॉब के दौरान मैंने घर बनाया गोरेवाड़ा के अंदर में, उत्थान नगर में। एक दिन बुधवार के दिन छुट्टी के समय था, मैं छत के ऊपर बैठा था। यहाँ की दयनीय स्थिति थी उस समय, यहाँ पर न रोड थे, न लाइटें थी, न कुछ था, जंगली जानवर निकलते थे, यानी काफ़ी अंधेरा रहता था। उस पीरियड से हम लोग यहाँ रहते आए। उस समय ये गोरेवाड़ा जो रोड है, एक मुश्किल से 20 फीट 30 फीट का रोड था। उसी रोड के ऊपर मैं गाड़ी जाती भी थी और उसी रोड पे गाड़ी आती भी थी। उस पीरियड में मैं, बुधवार का दिन था, छुट्टी था, उस दिन मैं छत के ऊपर खड़ा था, तभी एक बहुत भयानक घटना घटी। एक गोरेवाड़ा के हमारे गुरु जी हैं, उनका एक ही एक लड़का था, 10वीं में था, मेरे ख्याल से 9वीं या 10वीं में लड़का था, वो बहुत टैलेंटेड लड़का था। वो स्कूल के लिए घर से निकला और गोरेवाड़ा रोड के ऊपर में एक ट्रक के चपेट में आ गया। वो लड़का गिरा और उसके ऊपर से ट्रक चले गया, लेकिन ट्रक वाला रुका नहीं, वो गाड़ी यहाँ रोड पे छोड़ के भागा। और मैंने देखा कुछ लोग वहाँ पे आए और मैं भी दौड़ के गया। मैंने कोशिश किया कि ट्रक वाले को पकड़ के उसको पुलिस के हवाले किया जाए। सबसे दुख की बात यह है कि प्रशासन सोता रहा। यहाँ पर इतने न जाने कितने ऐसे एक्सीडेंट होते रहे, लेकिन कभी किसी ने कुछ किया नहीं। मुझे मेरे दिल को ऐसा ठेस पहुँचा कि अगर हम जब तक कुछ ऐसा करेंगे नहीं, तब तक ये यहाँ का गोरेवाड़ा का जो वातावरण उसी तरीके से चलता रहेगा, जैसे एक मशान घाट में शमशान में शांति छाई रहती, उसी तरीके से यहाँ पर भी शांति छाई रहेंगी। और उस शांति को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कुछ एक यलगार या एक इसकी ज़रूरत है। तो मैंने निर्णय लिया कि ये आंदोलन करना चाहिए और यहाँ के लोगों ने मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया। उस समय जब ये एक्सीडेंट हुआ, सुबह करीब करीब 8-9 बजे का एक्सीडेंट था, पुलिस की गाड़ियाँ आई और लावारिस की तरह वो बच्चे को उठा के गाड़ी में डालने की तैयारी थी। तो कुछ लोगों को मैंने बोलते हुए सुना कि ऐसे कितने एक्सीडेंट होते हैं और इसी तरीके के ये लोग आते हैं और लावारिस की तरह गाड़ी में डालते और लेके चले जाते, होता कुछ नहीं है। इसके अलावा और सामाजिक क्या क्या कार्य किए अपने आपने? और उसके अलावा हमने, जैसे अभी ये तो रहा एक आंदोलन का बात है, दूसरा रिंग रोड के ऊपर में सिग्नल नहीं था, वहाँ पे भी लगा आए गए। हर महीने में कम से कम 10-12 एक्सीडेंट होते थे। उस पीरियड भी हमने आंदोलन किया, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था उस दिन, पूरा दिन आंदोलन चला। और उसमें फिर कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने सिग्नल लगाने का आश्वासन दिया और वो सिग्नल लगाया गया, जो कि बाद में हमारी जनता के लिए बहुत फायदेमंद रहा और वो सिग्नल आज भी मौजूद है। दूसरा, मैं अपने समाज के तरफ से, अपने सामाजिक जो मेरी नीतियाँ हैं उसके हिसाब से मैं ये देखता हूँ कि हमारे समाज में आज भी पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है। कोई किसी चीज़ पर जाते हैं, कोई किसी चीज़ पर जाते हैं, उनको अपने विकास से ज़्यादा दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जिस दिन लोग अपने विकास पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे और अपने कार्यों पर ज़्यादा ध्यान लगेंगे, तो ये हमारे बीच की जो भेदभाव की सीमाएं हैं ये खत्म हो जाएंगी। एक दूसरे को कैसा मदद करें, ये विचार धारा जिस दिन उनके मन में आएंगी, ये उस दिन ये भेदभाव अपने आप खत्म हो जाएगा। हमारा देश आज़ाद तो ज़रूर हुआ,
लेकिन आज़ादी में भी हमारे देश को वो चीज़ नहीं मिली जो इसको मिलना चाहिए था, जिस चीज़ को लेकर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस ने युद्ध लड़ा, पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे धर्म धार्मिक लोगों को एकत्रित किया, एक सूत्र में बांधा और देश के लिए आज़ादी प्राप्त की। लेकिन उसके बावजूद में भी उस चीज़ का आज कहीं नामो निशान नहीं बचा। हर धर्म, हर जात, हर आदमी अपना अपना व्यक्तित्व मत को लेके खड़ा है, जिसके कारण से देश का बहुत नुकसान हो रहा है। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं समाज के बीच में रह के इन्हीं सब चीज़ों को ख़त्म करने की पूरी पूरी कोशिश करूँ और लोगों की उस जगह मदद करूँ जहाँ पे उनको बहुत अत्यंत ज़रूरत है और वाकई में ज़रूरत है, ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाऊँ। विद्याधर मिश्रा का मानना है कि गोरेवाड़ा क्षेत्र का विकास जिस तरीके से होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ नगर सेवकों ने अच्छा काम भी किया है तो कुछ नगर सेवकों ने सिर्फ खुद का ही विकास किया है। ऐसे नगर सेवकों को उन्होंने नसीहत देते हुए कहा है कि यदि जनता के लिए कार्य नहीं कर सकते तो चुनाव में खड़े ही क्यों होते हैं। उनका मानना है कि यदि पार्टी नेतृत्व आगामी दिनों में उन्हें जनप्रतिनिधि बनने का अवसर देती है तो वे प्रभाग के जनता की समस्याओं को और अच्छी तरह से सुलझा सकेंगे। ज्ञात हो कि कोरोना काल में विद्याधर मिश्रा ने अनाज वितरण कर कई जरूरतमंद लोगों की मदद भी की है। की पार्टी के तत्कालीन जो नगर सेवक है यहाँ के विगत 10 सालों से है, तो वो लोग कुछ विकास पर ध्यान दे रहे हैं क्या? हाँ, कुछ नगर सेवक हैं ऐसे जिन्होंने ध्यान दिया और कुछ नगर सेवक ऐसे भी जिन्होंने कमाने का काम किया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कमाने का काम किया। उनके पास में एक ही रास्ता था, कभी इसी से झगड़ा करना, कभी आमदार से लड़ना, कभी दूसरे नगर सेवकों से लड़ना, यही तो काम उनका रहा है। और उसके कारण से गोरेवाड़ा का जितना विकास होना चाहिए था 10 सालों के अंदर में उतना विकास नहीं हो पाया। इस चीज़ का मुझे हरदम से दुख है, दुखी रहूँगा, क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि इसमें हमारे पार्टी की सरकार, हमारे पार्टी के नगर सेवक और हमारे पार्टी की केंद्र सरकार तीनों होने के बावजूद गोरेवाड़ा का जिस तरीके से विकास होना चाहिए था उस तरीके का विकास नहीं हो पाया। उसका सिर मुख्य कारण यह है कि नगर सेवकों ने अपने कमाई के सिवा कोई दूसरा सोर्सेस नहीं देखा है। कुछ लोगों ने तो इतना तक किया है कि राशन कार्ड भी जो बनाया है वो पैसे दे के बनाया है, पैसे ले लिया है पब्लिक से और राशन कार्ड बना के दे, जबकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात अपने आप को पब्लिक के बीच में खटाता है, पब्लिक के बीच में अपने आप को झोंक देता है और कई काम तो ऐसे होते हैं जहाँ बिना पैसे के नहीं होते, वो भी फ्री में करा देता है। उसके बावजूद अगर कोई नगर सेवक पैसा लेकर राशन कार्ड बनाता है तो गलत है। इस चीज़ का मैं हरदम से विरोध करता है, आगे भी विरोध करूँगा और इस चीज़ की लड़ाई मुझे मेरी आज भी पार्टी के अंदर में प्रतिद्वंद्वी के रूप में चलती है। आगामी दिनों में पार्टी यदि आपको जनसेवा प्रतिनिधि के लिए मौका देती है तो उसे कैसे निभाएंगे आप? तो स्वागत योग्य है। मैं तो कुछ चाहता हूँ कि मुझे जितना ज़्यादा मौका मिलेगा मैं जनता की उतनी ज़्यादा सेवा करूँगा, और मुझे मौका नहीं भी मिला था तो भी मैंने जितनी हो सकी कोरोना काल के अंदर में 2 साल के अंदर में, जबकि मैं खुद भी रोजगार हो गया था, उसके बावजूद मेरे माँ बाप चिल्लाते रहते थे कि इतनी बड़ी बीमारी फैली है, तेरे को कुछ हो गया तो क्या करेंगे। मैंने माँ बाप को अपने यही समझाया कि जो दूसरों के लिए लड़ता है उसको भगवान भी बचाता है, और मैं मुझे बचाया, इसमें कोई शक नहीं। मैं संक्रमित जरूर हुआ लेकिन उस पीरियड में भी मैं बाहर निकल के आया। मैंने पूरे कोरोना काल के अंदर में लोगों को खाना खिलाने से लेके सूखा अनाज बांटने तक के मैंने उनके घरों तक के वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई। सूखा अनाज हमने इसलिए भी बांटा कि अगर मान लो खाना लाने में कभी देर हो जाती है या गाड़ी खराब हो जाती है तो आप लोग भूखे ना रह सको, इसलिए हमने उनको राशन का भी इंतजाम करके रखा था। और जो डब्बे ला के देते थे तो डब्बे ला के देते थे हम लोग, इसमें कोई शक नहीं है। और लोग भी हमसे बहुत खुश थे और लोगों का भी ऐसे कहना था कि पूरे हमने कोरोना काल के अंदर किसी पार्टी को इतना समर्पित कार्यकर्ता कभी नहीं देखा जो हम आज देख रहे हैं। बुरे दिनों में जो पार्टी काम में आए वही हमारी सच्ची हितैषी है, ऐसा लोगों के तरफ से मैंने खुद सुना है। ये बात मृदुभाषी, मिलनसार एवं सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले बीजेपी के वार्ड अध्यक्ष विद्याधर मिश्रा ने अपने प्रभाग की जनता को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए अनुरोध भी किया है कि आगामी दिनों में होने वाले मनपद चुनाव में अपने क्षेत्र का ही जनप्रतिनिधि चुने। उनका कहना है कि यदि जनप्रतिनिधि अपने ही क्षेत्र का रहता है तो वह वार्ड की हर समस्या से अवगत रहता है, जिससे वह शीघ्र से शीघ्र उसका निराकरण कर सकता है। प्रभाग की जनता को नए साल के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रभाग की जनता के लिए नए साल की संदेश यही है, आप अपना अधिकार समझिए,
अभी आने वाले चुनाव है कॉर्पोरेशन के, आप अपने बीच का, अपने बीच के व्यक्ति को चुनिए। आपके बीच में कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा मिला, मिलता जुलता रहा, कौन आपके बीच में आता रहा, कौन आपके बुरे दुख दिनों में साथ निभाते रहे और कौन आपकी मदद करता रहा। आपके एरिया में रहने वाला ही आपके दुखों को पहचान सकता है, आपके एरिया में रहने वाला ही आपकी तकलीफें समझ सकता है, आपके एरिया में रहने वाला ही आपके एरिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, आपके एरिया में ही रहने वाला आपके एरिया का कैसा विकास कर सकते हैं या कैसा विकास करना चाहिए वो जानता है। एक बाहर से आने वाला व्यक्ति जो आपके एरिया में नहीं है, कभी कभार अपना मुंह दिखाता है, ऐसा व्यक्ति आपका विकास नहीं कर सकता। इसे ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेशन के चुनाव में अपने बीच के व्यक्ति को चुनने की कृपा करें, चाहे वो पार्टी का हो चाहे पार्टी के बाहर का हो। पार्टी ने अगर तुम्हारे बीच का व्यक्ति चुन के देने के लिए देती है तो आपका सौभाग्य है, और उसका भी सौभाग्य है कि जो गोरेवाड़ा की जनता की सेवा करने के लिए उसको पार्टी ने आपके पास भेजा है। लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति है तो वो आपके किसी भी चीज़ से वाकिफ नहीं है। उसको जब आप बोलेंगे साहब रोड होना तो रोड देगा, जब बोलेंगे साहब यहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं है, पानी लाइन ना, तो पानी लाइन डालेगा वो। आप जब उसको बोलोगे बिजली नहीं, बिजली डालेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति वहाँ रह रहा है तो उसको सब मालूम है कि कहाँ रोड नहीं है कहाँ रोड बनाना है, कहाँ लाइट नहीं है वहाँ लाइट डालना है, कहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं वहाँ पानी की पाइपलाइन डालना है, कहाँ मैदान होना वहाँ मैदान डालना है, बच्चों को खेलने का कहाँ इंतजाम करना वो वहाँ इंतजाम करेगा। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपके बीच का ही व्यक्ति कर सकता है। लोकल चुनाव है, कॉर्पोरेशन के लोकल चुनाव है, और कॉर्पोरेशन के लोकल चुनाव में लोकल व्यक्ति का ही वर्चस्व रहना चाहिए, और उस वर्चस्व को कायम रखने के लिए गोरेवाड़ा की जनता से अनुरोध है कि आप अपने बीच का व्यक्ति चुने, ना कि बाहर का व्यक्ति चुने। चाहे वो गरीब क्यों ना हो लेकिन वो आपके बीच के व्यक्ति का हो। यही आप लोगों को शुभ संदेश देता हूँ।